हेलो गाइस, कैसे हो सर? आई होप सब बढ़िया होगी। कम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आप देख रहे हैं रोनवर्स का वजी व्लॉग्स में गाइस की सपोर्टिंग की व्लॉगिंग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5 बजे। तो व्लॉग, हाँ बेसिकली ये कोई व्लॉग व्लॉग नहीं है, ये बस मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है 3-4 दिन से। तीन बार हो गया मेरे साथ ये वाला सीन। भाई मैं रात को स्टार्टिंग सोचता हूँ क्या होता है ऐसे। मैंने भाई अपना जैसे चैनल खोल रखा है, बस इस व्लॉग के नाम से यूट्यूब पर चैनल खोल रखा है। मैं अपनी लाइफ स्टाइल और ये सब वीडियो डालता हूँ। तो भाई मेरे पास ना रात को मैसेज आता है, मतलब यूट्यूब की तरफ से मैसेज आता है। मतलब ऐसा होता है जब मेरे ना जो यूट्यूब का अकाउंट है बस इस ब्लॉग वाला, वो सिर्फ मेरे या तो पर्सनल फ़ोन में चलता है या फिर मेरे पर्सनल लैपटॉप में चलता है। दोनों में बस दो ही जगह मेरा अकाउंट लॉगिन कर रखा है मैंने, या तो मैं एक्सेस करता हूँ मेरे लैपटॉप से या अपने फ़ोन से, दो ही जगह कर रखा है। बाकी और कोई एक्सेस नहीं करता, ना किसी घर वाले के पास, मतलब किसी के पास नहीं, बस मैं अपना हैंडल खुद ही करता हूँ यूट्यूब चैनल। तो भाई मेरे पास मेल आता है उसकी तरफ से, यूट्यूब की तरफ से, कि आपका कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब चैनल। तो भाई एक दिन हुआ, पहले दिन ये है कम से कम ना तो 10-12 दिन पहले की बात है। रात को 10 बजे फ़ोन पे ऐसे वैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आती जब कोई लॉगिन करता है। जैसे मैंने ना वो सिक्योरिटी लगा रखी है, जब भी मेरा यूट्यूब चैनल कोई लॉगिन करेगा तो मेरे पास ना या तो मैसेज आता है या फिर मेरे YouTube, जैसे मेरे YouTube चैनल पे मैं ओके मतलब ओके या यस आई एम इन करके कुछ ऐसा आता है, मैं वो क्लिक करूँगा तो वो वाला मेरा अकाउंट वहाँ भी लॉगिन हो जाएगा। तो मेरे पास मैसेज आता है, पता नहीं ओप्पो फ़ोन था या एंड्रॉयड था या एप्पल था, ऐसा करके कुछ था। पहली बार में मेरे पास ऐसे मैसेज आता है कि भाई ऐसे ऐसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ओप्पो से और एप्पल से, तो आप यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। मैं कह रहा यार मेरे अकाउंट फिर मेरे लैपटॉप में चलता है, ओप्पो का फ़ोन मतलब है नहीं अभी किसी पास, मतलब है नहीं कभी किसी पास घर पे भी हो तो फ़ोन लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने वो नो कर दिया, जब मैंने नो कर दिया तो उसने जिसने भी करा होगा, जिसने भाई इतना दिमाग लगाया, उसने थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर मेरे पास मैसेज आया सेम, जैसे यूट्यूब खोला मैंने वैसे ही, मतलब मेरा कोई भी पेज स्क्रॉल नहीं हुआ, वैसे डायरेक्ट वही मैसेज आया। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, देखना ये मैसेज आया था मेरे को रात को, तो मैंने दोबारा नो कर दिया। ठीक है भाई, बढ़िया चलता रहा। उसके बाद मैंने अपनी 2-3 वीडियो डाली, उसके बाद 5-6 दिन बाद मेरे पास मतलब दोबारा एक और मैसेज आता है यूट्यूब की तरफ से। मतलब यूट्यूब तो मैसेज नहीं करता, मतलब अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है तो मैसेज आता है। तो अगली बार लॉगिन करता है कोई लैपटॉप से, लैपटॉप था कोई एंड्रॉयड मतलब ऐसे करके कोई था, LG का कोई लैपटॉप था। तो भाई यही सब बताने आ रहा था, मतलब यार अभी जो अपना चैनल है जो तुम देख रहे हो, जिसमें भाई मैं अपनी पर्सनल वीडियो डालता रहता हूँ जो मेरे को पसंद होता है, ये सब जो भी मतलब मेरी जो भी मेरा लाइफस्टाइल है वो सब डालता हूँ मैं अपने चैनल पे। तो भाई अभी तो कुछ सब्सक्राइबर नहीं है, मैंने सुना था कि भाई होता है हैक हो जाता है चैनल, कोई लॉगिन कर लेता है कोई कुछ कर लेता है, मैंने सुना था कि होता है कि जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है अर्निंग आने लग जाती है जब होती है चीज़ें। पर भाई मैं क्या बोलूँ भाई, बस कोई अपना ही होगा जो कर रहा होगा भाई, क्योंकि जिसको मेरी मेल पता है वो तो मैंने डबल सिक्योरिटी पासवर्ड लगा दिया। अब तो भाई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई हैक कर सकता ना कुछ, जब तक मैं कुछ वेरीफाई करूंगा नहीं। पर मैं ऐसी चीज़ें कुछ करता नहीं हूँ भाई, सिंपल सीधी बात है, मैंने अपना चैनल बना रखा है सिर्फ इसीलिए कि भाई मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूँ। मेरे को भाई अपना मतलब अपने आप को दिखाना अच्छा लगता है, मतलब सेल्फ ओबियस जो होता है मेरे को देखना दिखाना बढ़िया लगता है, मतलब अपने आप को, इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ भाई। मैं यूट्यूब पर ना किसी पैसे कमाने के उससे आया था कि भाई मेरे को पैसा वैसा कमाना है इससे, बस था मेरे को भाई की वीडियोज़ बनानी है, देखता था भाई यूट्यूब पर, इसलिए स्टार्ट करा था यूट्यूब चैनल। मैंने आज तक ना चैनल शेयर करवाया किसी से, ना सब्सक्राइब कुछ भी नहीं बोला मैंने। जिसको भाई मेरी वीडियो पसंद आती है वो लाइक कर देता है खुद ही, वो तो देख हर कोई आदमी बोलता है, लाइक शेयर कमेंट तो हर कोई बोलता है। पर मैं आपको बताता हूँ आज भाई मेरी वीडियोस कम से कम ना तो 45-1 वीडियोस हो चुकी है अभी चैनल पे। भाई आधे से ज़्यादा मतलब 40% जो लोग हैं वो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, 60% लोग विदाउट सब्सक्राइब करके जाते हैं, विदाउट सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं। और भाई स्टार्टिंग में तो सब बोलते हैं कि सपोर्ट है भाई का ये यार वो है, वो तो भाई कोई नहीं, वो तो ठीक है जैसे चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि अभी कुछ चैनल नहीं है भाई, 200-250 मेरे 250 सब्सक्राइबर्स ही हैं, और वो भी बस इसलिए हो गए मजे में करते 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 करते, भाई मेरे को अच्छा लगता था वीडियो बनाना इसलिए कंटिन्यू करी ब्लॉगिंग। पर भाई ये मेरे को बहुत हर्ट करा, मेरे से एक बार नहीं दो बार नहीं 3-3 बार हो रहा है यार। अरे ठीक है कोई मजाक में यार, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, 3 बार कर लिया, अगर मान लो सच में यस हो जाए हैक हो जाए चैनल। यूट्यूब से ही मैंने अपनी एडिटिंग सीखी, यूट्यूब से ही मैंने वीडियो बनाना शूट करना ये सब, मैं जहाँ भी गया वो सब दिखाने की मतलब कोशिश करता रहा, बनाता रहा करता रहा डाल दिया, बनाता रहा करता रहा डाल दिया, ऐसे ऐसे सीन चलता था। अब भाई ये सीन हो रहा है यार, कोई अपना ही करेगा जब तक तो ठीक नहीं है यार, ऐसे तो नहीं होता यार है कि मैंने जहाँ तक सुना है ऐसे नहीं होता है। पर जिसको भाई मेल पता हो, जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हो,
और मतलब दो तीन चीज़ें होती है यार, वो मैंने वैसे पासवर्ड मेरा किसी को पता नहीं है, नोट अ सिंगल वन, ना मेरे घर में, ना कोई बाहर, ना कोई यार दोस्त में, किसी को नहीं पता पासवर्ड मेरा। पर फिर भी यार आईडी तो पता है ना, आईडी लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये सब बताने आया था कि यार ये सीन चल रहा है। और तो भाई मैं क्या बोलूँगा, जो कर रहा है भाई मैं यही बोल सकता हूँ, भाई मत करो, अभी तो कुछ भी नहीं है यार, धीरे धीरे एक गणा उठेगा, अपने आप सारे जने उठ जाते हैं, वो तुमने देखा होगा। तो भाई अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं। मैं भाई एक आदमी टोकता ही उसको है जो कुछ नहीं कर रहा होता। मेरा मोटिव ये था कि यार कुछ कुछ कर नहीं रहा, घर बैठा बैठा तो वीडियो बनाने में भाई मैं किसी का ना नुकसान पहुंचा रहा किसी को, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ दिखा रहा, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ दिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं घूमता हूँ, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ, वो सब दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ना मैं किसी को हार्म कर रहा। तो भाई वही सीन है, मैं यार किसी को परेशान नहीं कर रहा, मैं अपनी सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यार मैं यही कह सकता हूँ भाई से, जो भी कर रहा है भाई मत करो आगे से। वैसे तो अब हो नहीं सकता, कितना भी तू भाई कर लेगा, जोर लगा लेगा, ऐसे नहीं होगा भाई। पर फिर भी यार अगर ये छोटा भाई है अपने, छोटे भाई की उससे सपोर्ट करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ना करके मैं ऐसे यार गैस करूँ और किसी भाई इंजाम लगाऊँ, वो तो ठीक नहीं है कि भाई ये कर सकता है वो कर सकता है। जिसने भी कर दिया ठीक है भाई, बहुत बढ़िया कर दिया, नहीं हुआ है फिर से बहुत बढ़िया रहा। पर भाई मत करो करो है, अगर किसी का अच्छा नहीं चाह सकते तो किसी का बुरा भी मत चाहो भाई। मैं अपने सिर्फ अपना चैनल अपनी उसके लिए चलाता हूँ। अगर देखो चैनल से दिक्कत है भाई, अगर देखो किसी को चैनल से दिक्कत होगी कि भाई ये वीडियोस बनाता है, ये तो जेलेसी वाली बात होगी भाई, तेरे को बनानी है तो मेरे से कह के ले ले मेरा चैनल, मैं दे दूँगा 250 सब्सक्राइबर। 250 से कुछ नहीं होते यार, 250 वो तो आप ये सोच रहे होगे 250 तो कुछ नहीं होते। पर मैं एक बात बता देता हूँ, जब यूट्यूब चैनल बनता है ना मेरे से, जब मैं स्टार्ट कर रहा था यूट्यूब चैनल, मेरे को भाई इतने लोगों ने बोला कि भाई तू स्टार्ट कर, 5 दिन में 1000 सब्सक्राइबर है, 10 दिन में 1000 सब्सक्राइबर है। आज मेरे को यूट्यूब पे भाई 6-7 महीने हो गए वीडियो डाल डालते, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने वीडियो डाली और फिर बीच में गैप आ गया, मैं यार कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है और वो तो। पर फिर मैंने दिमाग से निकाल दिया भाई, मैं आपको एक बार बताऊँगा भाई, यूट्यूब पर आना हो तो ये सोच के मत आना कि भाई मेरे को अभी से पैसा कमाना है, बस यूँ सोचना कि भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। स्टार्टिंग में तो आपको खर्चा होएगा, खूब सब कुछ होएगा, पर भाई अच्छा लगता भाई। मेरा मानना ये है, मेरे को देख अगर YouTube बोलता है कि अगर भाई पैसा नहीं मिलेगा, पर मैं व्लॉगिंग तो भाई नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि भाई ये मेरे में पैशन है और ये सब है, मेरे को अच्छा लगता है। देख सिंपल सीधी बात है, साफ शब्दों में बात है भाई, मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, इसलिए बना रहा हूँ मैं। नहीं अच्छा नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं बनाता। तो वही सिंपल बात है, मेरे को चाहे पैसा मिले भाई, एक टाइम के बाद आने के बाद हर चीज़ में पैसा मिलता है, चाहे पढ़ाई लिखाई किसी में भी लगा लो आप, हर चीज़ में पैसा मिलता है। तो मैं वो तो कह नहीं रहा कि भाई मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हर किसी को चाहिए, पर एक टाइम पीरियड होता है, मैं पैसे की वेव से आया ही नहीं था इस पे। मेरे को आज भाई 6 महीने हो चुके हैं और मेरा आधे ज़्यादा टाइम पीरियड हो भी चुका है। मतलब यूट्यूब की पॉलिसी होती है 4000 सब्सक्राइबर और 1000 घंटे का वॉच टाइम कंपलसरी होता है। तो भाई अपने मेरे 500 घंटे का वॉच टाइम तो हो भी चुका है भाई। जेलेसी में कोई ये कर रहा है तो वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, कोई अपना ही होगा। पर भाई मैं हाथ जोड़ के भाई से कहूँगा, जो भी कर रहा भाई मत कर ऐसे। हाँ मेरी तरफ से तेरे को कुछ भी सपोर्ट चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है तो मैं जो मेरे को आता होगा भाई, मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली यूट्यूब से ही उससे मैं बता सकता हूँ भाई वो। पर ऐसे भाइयों में जेलेसी वाली बात आ जाएगी यार। पर ये हाँ ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई अपना ही लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है तो बस मैं भाई यही बोलूँगा, मेरी तरफ से जितना हो सकता भाई मैं सपोर्ट कर दूँगा। अगर तू यूँ कहेगा भाई मेरे को चैनल दे दे अपना, मैं चैनल भी दे दूँगा और तो क्या लेगा भाई, 250 सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, 250 सब्सक्राइबर आदमी की फेस वैल्यू होती है भाई, 250 सब्सक्राइबर कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। आप कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर होगा उसका चैनल हैक हो जाएगा ना, उसकी फेस वैल्यू है, उसको लोग जानते हैं, वो एक चैनल बनाएगा रातों रात सब्सक्राइब हो जाएंगे, तेरा ना कुछ होगा ना तेरे को ना फलेगा वो और ना उसका कुछ बिगड़ेगा, साफ सीधी बात है। तो भाई वही है, मेरे को जितने भी अपने मेरे भाई देखते हैं 10-15-20-200-250 जितने भी लोग देखते हैं, मेरी यूँ है कि भाई ये वीडियो डालता है, अगर तू चैनल ले लेगा, तू वीडियो वो करने लग जाएगा, हैक कर लेगा, तू क्या करेगा, हैक करके मेरी वीडियो डिलीट कर देगा, जो भी होगा मैं भाई ऐसे स्पेसिफाई किसी को वो नहीं कर रहा, मेरा चैनल ले लेगा, वीडियो डिलीट कर देगा, क्या मिल जाएगा, ना तू उस चैनल पे कुछ कर पाएगा और ना मेरे को तू कुछ करने देगा, यही बात है ना। तो भाई देख अगर देखो बनाना है चैनल, हाँ यारी दोस्ती भाई मैंने भी खूब सुना है कि यार मेरे से 2-3 भाइयों ने पूछी भाई कैसे बनाना है चैनल, क्या करना है, कैसे एडिटिंग होगी। भाई देख मेरे को जो आ सकता है मेरे में ना कोई वो है, तो मेरे पास आ पूछ भाई मेरे से कि भाई कैसे हो सकता है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें मेरे को आती है, यूँ नहीं कर रहा भाई मैं कुछ हूँ, मैं 1% आता होगा मेरे को यूट्यूब का, सिर्फ अभी 1% भी बहुत कम की, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ मैं, देख देख के सीख सूख गया वो बता सकता हूँ मैं।
और भाई यही बोलूँगा एंड में भी और लास्ट में भी कि भाई ऐसे मत कर किसी के साथ भी क्योंकि दो तीन भाइयों ने मेरे से भाई पूछा भी, कंफर्म करा। मेरा एक दोस्त था वो कनाडा जा रहा है अभी, तो उसने मेरे से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा लगता भाई, कईयों का एक पैशन हो जाता है और कईयों को अजीब भी लगता है, ऑकवर्ड लगता है। मेरे को पहले शर्म भी आती थी भाई ब्लॉग करने में, मेरे को अब नहीं आती भाई। ठीक है, अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहा हूँ, किसी दूसरा थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं अपना दिखा रहा हूँ। तो वो ये है किसी यार जलने वलने से भाई कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था मेरा एक दोस्त था भाई कनाडा जा रहा था वो, तो भाई उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो मेरे को बता दे। तो भाई देख, अगर वो आएगा तो मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करूँगा भाई, कैसे चैनल बनता है, कैसे एडिटिंग होगी। और भाई कनाडा तो भाई हर कोई जा ही नहीं पाता, बहुत कम लोग जा पाते, क्या पता उसका चैनल भी चल जाए। लगे यार एक भाई जो यारी दोस्ती में होता कि एक का चैनल चला दूसरे का अपना आप चल जाता है यार, एक का चैनल चला दूसरे का अपना आप चल जाता है, तो वही वाला सीन है। जितना हो सके भाई कि मोटिवेट करो भाइयों को यार, पर डीमोटिवेट करके वीडियो करके मत करो। और तू सोच रहा हो भाई मैं ऐसे वीडियो बनाने से रुक जाऊँगा, तो भाई ये तेरी गलतफहमी है बहुत ज़्यादा। मैंने जो एक भी एक चीज़ सोच ली जिसमें पैर दे दिया तो अच्छी तरह पाड़ के बाहर निकाल दे वो चीज़ तो मेरे को चाहे ग्रोथ मिले ना मिले, मेरी तरफ से 100% रहेगा यूट्यूब पे। मैं कहीं गया, घूमने गया, ये मेरा चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड लगा ले चाहे कुछ लगा ले, भाई मैं कहीं जाऊँगा वीडियो डालूंगा, ना मेरे को कोई रोक सकता ना रोक पाएगा। ये मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और जो मेरे को अच्छा लगता है भाई मैं उस चीज़ में रुकूंगा नहीं। और मेरे को पता है मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, ना मैं किसी को कुछ कर रहा, मेरी फैमिली को पता है ना कुछ कर रहा। जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा आदमी, उसको कोई भी उसको कुछ टोकेगा नहीं, उसको सब ऐसे बढ़िया तरह देखेंगे। अगर तू कुछ हटके काम करने लग गया ना, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन कुछ हटके काम करने लग गया, लोग बीच में रोका टकी करने लग जाएंगे। मेरे को नहीं बोलते होंगे लोग तू क्या सोच रहा भाई, जो भी वीडियो देख रहे मेरे को नहीं बोलते होंगे भाई क्या वीडियो बनाना रहता है। जो कान से सुन उसकी बात निकाल दी तो बढ़िया हो जाएगा। मैं भी जब भाई धीरे धीरे चैनल स्टार्ट करा, मैं कह रहा यार 4000 घंटे 4000 घंटे कैसे पूरे होंगे कैसे पूरे होंगे। कुछ टाइम नहीं लगा, जहाँ जाता रहा वीडियो बनाता रहा, जहाँ खाता रहा वीडियो बनाता रहा। ठीक है अपना भाई, एक अगर तेरे को भी यूट्यूब पे आना भी है तो भाई पैसे कमाने से पैसा कमाना हटा दियो। ये सोचो भाई मैं अपनी मेमोरी जोड़ रहा हूँ यूट्यूब पे तो कुछ हो सकता है। मेरे 500 घंटे हो गए पता भी नहीं लगा, धीरे धीरे 4000 भी होंगे और धीरे धीरे पैसे भी आएंगे, और वीडियो बनाना तुम्हारा भाई छोड़ेगा नहीं। मैं भाई कोशिश करूँगा बनाता रहूँ बिल्कुल जब तक मेरा मन करेगा। हाँ, जिस दिन मेरे मन ने कह दी कि भाई ठीक है अब ओवर हो गया, अब रहने दे, अब बैठ जा, अब तेरे को और कुछ फील्ड पकड़नी चाहिए, तो अब अलग बात है। पर मैंने इसमें पैर दे दिया कि भाई अब तेरे को निकाल कुछ करना ही है यूट्यूब पे, तेरे को निकालना है, तो भाई ये भूल जाइयो कि बंद कर देगा चैनल। ना करने से बढ़िया कुछ कर रहा हूँ, घर पर खाली नहीं बैठा अपनी चाहे वीडियोज बना रहा हूँ चाहे कुछ कर रहा हूँ जो खाली तो नहीं बैठ रहा, जब खाली नहीं बैठ रहा जब भी मेरे को लोग टोक रहे हैं कि तू ये कर रहा है क्या, ये यार वो है, दो उसने ताने मार दिए कि साला सुनेगा प्रेशर में आएगा बंद करेगा चैनल। मैं सबको वो नहीं कर रहा कि भाई नहीं है, मेरे सारे जो दोस्त हैं स्कूल के फ्रेंड सब कुछ हैं, स्कूल के कॉलेज के जितने भी हैं मतलब आस पास में, भाई सब सपोर्ट करते हैं कि तू बना। काम है होने के चक्कर में भाई अगर कुछ करना है तो यार फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं मना नहीं कर रहा, पर कुछ आ जाते हैं भाई दोगले वोगले करते हैं काम ख़राब, उनको सबको साइड करके मेरी राय यही रहेगी भाई जो पैशन है उसको आजमाओ वो करो। भाई मेरे में ये पैशन है कि वीडियो बनाने का मेरे को अच्छा लगता है, सिंपल सीधी बात ये है। तो मैं सिंपल बस व्लॉग में इतना ही रखूँगा भाई, मैं यही बताने आया था कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी सीन हो रही है, हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी भाई कर रहा हो भाई हाथ जोड़ ले या कुछ, हाथ तो मैं कैसे क्यों जोड़ू भाई, मेरी गलती नहीं साले वो नहीं, पर भाई नहीं कर सकता तू जो भी है, बिल्कुल हंसी में कह रहा हूँ, ना मेरे को तेरे से कुछ हेट है ना कुछ है, ना तेरा भाई प्रेशर में आएगा जो भी ये कर रहा हो, ऐसे नहीं है भाई। अगर छोड़ना होगा यूट्यूब में अपना छोड़ूंगा, अपनी मर्जी छोड़ूंगा, वरना कोई नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एट द एंड साफ सीधी बात, यूट्यूब पे वीडियो बंद नहीं होगी, डालूंगा जब तक डाल सकता हूँ। बस इस ब्लॉग में भाई कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। तो मिलते तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।